गाइज वेलकम बैक टू पूछ आप लोग कैसे हैं गाइज आप। तो गाइज मैं अभी बाबू को धूप दिखा के आई थी और फिर आ गई नीचे। ब्रश नहीं कर रहा गंदा बच्चा। करूंगा। देख बोतल टूट जाएगी। और क्या, मैं अभी खा रही हूँ पपीता। नाश्ता हो गया एक डेढ़ घंटे पहले ही, तो अभी पपीता खा रहे। और ये ऐसे काम करता है, देखिए फिर से लिपस्टिक लगाई भगवान। तर्रो ये तर्रो जानवी, आज से तेरा नाम है तर्रो है जानवी, तेरा नाम है तर्रो है? तर्रो सुन, तर्रा नहीं तर्रो, किसे कहते तर्रो पता है? पहले शो गाइस इसका नाम है तर्रो। मेरा नाम क्या है जानवी? पूजा बा। सबसे शैतान बालक ये देखो भाई, सबसे शैतान बालक और सबसे तो ज्यादा यही। हाँ तू नहीं है? अच्छा तू दिखाई सकल अपनी, तू नहीं है? रहन दे तू उस्ताद। अर्शु अर्शु तू कितने भी अपनी शकल छुपा ले, दांत तो तेरे दिखेंगे ही खरगोश जैसे। गोलगप्पा मैं तो अपने मुँह ही नहीं खोलूंगा, मुँह जबान चलाने को तो खोलेगा। कहाँ जा रहा तू? सुनी ना रे? अरे कैसे बैठे तीन बंदर से? सोरी तू बंदरिया? ए बंदरिया? ए ए सोरी है तू? तो गाइस ये अभी सो रही है और ये इसको परेशान कर रहे हैं। रुषा काजू तो गाइज यहाँ पर हो रही है लड्डू बनाने की तैयारी। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी है तो सौंठ वगैरह कूट रही है। दोनों भाभी जो है ना वो मतलब सामान जो होता है ना वो सारा कूट रही थी और मिक्सर में मतलब मिक्सर में ग्राइंड कर रही थी जो भी होती हैं चीज़ें। और पापा जो है हमारे अंदर रसोई में उनको फ्राई कर रहे थे। तो पापा ही हमारे ज़्यादा जानते क्योंकि हमारी भाभी को तो ये सब बनाने आती नहीं लड्डू वगैरह, तो पापा ही बनाते हैं हमारे जानते हैं जो भी, मम्मी तो है नहीं। तो पापा अंदर सारे फ्राई कर रहे थे और भाभी यहाँ पर इनको ग्राइंड कर रही थी सामान सारा। और ये मैंने ना इसलिए ये बनाई ये स्पेशल वीडियो इन सब चीज़ों की पता है क्योंकि कि मैं ना चाहती कि मैं भी ये लड्डू बनाना सीखूं। तो पापा मेरे बना रहे थे ना, मैं सारी चीज़ें पापा से पूछ रही थी कि इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, कितनी सारी चीज़ें जिसका मैं नाम भी नहीं जानती, मैंने पहली बार देखी है गाइस सही में। तो मैंने सोचा मैंने बोल दिया पापा से, मैंने कहा सारी चीज़ों का नाम बता दो अब ताकि मैं आगे बना सकूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है कोई चीज़ नहीं आती ना तो उसको सीख लो। तो इसका सारे नाम पूछ लेते मैंने और फिर मैंने ये व्लॉग में भी ले लिया था ताकि मैं कभी भी देख के बना सकूँ। तो पापा यहाँ पे फ्राई कर रहे थे सारी चीज़ें। और पता है मैं ना मतलब ये ना काफ़ी टाइम से बनाने भी सोच रही थी पर मैंने इसलिए नहीं ट्राई किया क्योंकि YouTube में देख के हर तरह से ना अलग अलग तरह के बनाते, तो मैंने सोचा पहले पापा बनाएंगे उसके बाद कभी मैं जब मतलब ये तो खैर मेरे लिए बन रहे हैं तो आने वाले टाइम में मैं देख के बना सकूँगा ऐसे ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबके घर में ना अलग अलग तरीके के बनते हैं। तो बहुत टेस्टी बने थे और मैंने ना ये गुड़ के बनवाए थे, जैसे मैंने टेस्ट बोला था जितना मैंने मीठा बोला था सेम टू सेम ऐसे ही बने थे। फिलहाल तो यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी और मैं जा रही थी आंटी को और ताई जी को बुलाने। तो गाइस आंटी मतलब हमारी चाची, अगर आप सोचो कि आंटी को ना तो हम अपनी आंटी को चाची ही बोलते हैं, तो मैं उनको बुलाने जा रही थी। कतई नशे में पड़े हैं
इतना सा मुंह दिखाई दे रहा दूर से। यूवी यूवी मम्मा के ब्लॉग में देखो, यूवी करो। देखी साहब इसने आवाज सुन ली। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? देखो ये क्या देख रही, लाइट देख रही, क्या देख रही? पंखा दे। आंटी कहाँ गई? राशन लेना। ताई सोई पड़ी है, ताई भी ताई को तो बुला दो। देखो गाइस अभी सर्दी आई भी नहीं हो रही, सर्दी कम चल रही है। और ये देखो हमारी चिन्नू भी लेटी हुई यहीं पे, ये भी। और चिन्नू हाय गाइस, देखो इधर इधर इधर, ये देखो हाय गाइस। हाय गाइस, मम्मा मेरे को थोड़ी सी बड़ी तो बोल दो, ऐसे ऐसे लुक दूंगी। रुक जा, कौन है ये? तू पहचाना है ना, कौन है बता पहले। अब तो नानी के दांत भी टूट गए, अब तो पहचान में नारी हुई है। ए इसे तो ले ले, यू कैसे लेगी इसे परेशान। हेलो गाइस, ये अपनी मौसी के पास है। चलो गाइस बाय कर दो मम्मा को, मम्मा जा लड्डू बनाओ आपको। यूवी अली मेली गुलिया, ये तो बड़ी खुश है भाई मौसी के पास। चलो बाय 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 बाय। ओए मुयो, नहीं मम्मा ने रोएगी तो ना। पापा उसी में तो लग रहे हैं, आज कल तो फ्राई कर दिया हा, फ्राई कर दिए है सारे। आबू करना हाँ, ऐ शैतानी मत कर। पापा को तो पता ही ना हो तुम आ रही हो, जब अंजलि ने बताई। हाँ हाँ, जब ही तो मैं कही, मैंने पापा पूछ रहे किसका फोन है, मैंने कहा ऐसे। अच्छा मैं देख रहा था, पंजाब और चालू ले बनाई थोड़ी सी वीडियो। इधर बैठ के, ओए यहां बैठो, मां से इधर आ। चलो तो कर ही ना, ऐसा नहीं होता। ओए सुन ना, इधर बैठ, इधर इधर चल चल जल्दी, ट्राई कर दूंगी तेरी। थोड़े से बना के देखेंगे पहले। मैंने सरला सब कुछ सरला कह लगी, कहीं बनाओ या कुछ भी। हाँ ऐसा होती था, मैंने पता लग सी। इधर बना, उधर हाँ इस वाले कोले पटोली में रखे हैं, वहाँ बना ले बोले पल्ली माई हमारे। सो गाइज जल्दी जल्दी लड्डू बनाए थे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और दे उठान थे उस दिन, तो दे उठाने थे तो चाची बना रही थी हमारे ये, और भाभी ने बनाए थे पैर वगैरह नीचे। तो गाइज मुझे ना इस बारे में पता नहीं कि वैसे कैसे बनाते हैं, और चीज़ें तो मैंने देख ली, तो मैं ना सब चीज़ें के ना रिकॉर्ड करती रहती हूँ ताकि आने वाले टाइम में मैं देखूँ बना सकूँ कुछ भी चीज़, क्योंकि मैंने ना ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी नहीं है ध्यान से कैसे बनती क्या होता है। ठीक है, तो आंटी बना रही थी तो मैंने इसका भी व्लॉग बना लिया गाइज ताकि मैं इसको सीख सकूँ। तो चाची बना रही थी यहाँ पर ये सब, और पैर वगैरह तो वो तो मैं बना लेती हूँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये जो बनाते हैं ना देवता शायद बोलते हैं इनको, तो ये मुझे बनाने नहीं आते गाइस, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सामान सारा तैयार हो गया गाइस, और कल शायद मैं चली भी जाऊंगी अपने घर।
तो हो सकता है चली जाऊँ, पक्का भी नहीं पता मेरा, कल आ सकते हैं लेने के लिए क्योंकि टाइम तो वैसे भी पूरा हो गया सवा महीने, क्योंकि गाइस इसकी काजू की स्कूल की हो गई है, पूरे महीने भर की छुट्टी हो गई है और कोई मामूली बात नहीं है। एक महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, होमवर्क पेंडिंग पड़ा है इसको बहुत सारी चीज़ें, तो ज़्यादा टाइम भी हो गया गाइस इतने दिन से नहीं जा रहा, तो गाइस बहुत बड़ी बात है, एक महीना कम नहीं होता है। और तो कल आ भी सकते हैं, बोल रहे हैं मैं कल आ सकता हूँ, वैसे वो आ ही जाएंगे मुझे पता है। तो गाइस इस व्लॉग का मैं यही ब्रांड करती हूँ क्योंकि, तो चलो मिलते फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय, टाटा गाइस, सबको बाय बाय।